दोस्तों आप सभी का नियो वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों एक और लेटेस्ट और बड़ी भर्ती के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस विभाग में निकली बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, 3137 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दोस्तों इसमें योग्यता जो है 10वीं 12वीं और स्नातक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे अगर आप 12वीं हैं या स्नातक हैं, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा। लास्ट डेट है इसकी 7 दिसंबर। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं कि एज लिमिट क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। दोस्तों एक्स वाई जेड आपको जानकारी यहां इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हम आपके लिए और नई भर्तियां लेकर आ सके और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, पुलिस की कोई भी भर्ती हो, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, अगर आप में नौकनीस की समस्या है या फ्लैट फिट की समस्या है, तो दोस्तों आप टेंशन ना लें क्योंकि आपके लिए हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है नियो फिटनेस वर्ल्ड। आप यहां पर जाएं, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे आपका जो भी सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब्स में, किसी भी डिफेंस में नौकरी पाने का, वो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आंध्र प्रदेश द्वारा ये भर्ती निकाली गई है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 3137 पदों पर बम्पर वैकेंसी है। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो दोस्तों यहां पर वेरियस कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहां पर एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, जेलर की है, वार्डर की है, स्टेशन फायर ऑफिसर की वैकेंसी है, वार्डर की है, पीसी की वैकेंसी है, फायरमैन की है और ड्राइवर ऑपरेटर की वैकेंसी है। यहां पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फीस है जिसमें एसआई, आरएसआई, स्टेशन फायर ऑफिसर, डाइंग जनरल के लिए आप देख सकते हैं 600 रुपए आवेदन शुल्क है जो कि ओसी और बीसी के लिए है, 300 रुपए है एससी एसटी पीसी के लिए कैंडिडेट्स के लिए, और यहां पर आप देख सकते हैं वार्डर एंड फायरमैन के लिए आप देख सकते हैं 300 रुपए है ओसी और बीसी के लिए और 150 रुपए है एससी एसटी के लिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे कम जो है क्वालिफिकेशन 10वीं पास जो है होमगार्ड के लिए, ठीक है, और यहां पर 12वीं पास है हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है, और कांस्टेबल के लिए भी है 12वीं पास यहां पर, और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट है, और यहां पर है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए ग्रेजुएट, ठीक है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएट है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर आपके दो एग्जाम होंगे। जी हां दोस्तों, प्री एग्जाम होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेन एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 25 साल यहां पर आयु सीमा है और आयु सीमा में छूट भी है जो कि रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है, एससी एसटी बीसी और पीडब्ल्यूडी और अदर रिजर्व कैंडिडेट्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट्स हैं। तो एसआई, आरएसआई, स्टेशन फायर ऑफिसर, डाइंग जेलर के लिए 5 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 24 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, और पीसी, वार्डर और फायरमैन के लिए 12 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे जो कि 7 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। जो जानकारी हमने आपको दी है वही पूरी जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरे सवालों के जवाब देने की। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की अपडेट आपको मिलती रहे रेगुलर, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके घंटी का बेल आइकन दबाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।